नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध बंगलामुखी के मंदिर पहुंचे कमलनाथ सरकार के गृह मंत्री बाल बच्चन, जहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ माता की पूजा अर्चना की। उसके बाद हवन पूजन किया। हवन पूजन के उपरांत पत्रकारों से चर्चा करते हुए पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश में से कई थाने हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र से दूर रहते हैं, जबकि नजदीक में भी थाना रहता है, उसके बावजूद भी पास का थाना न देते हुए दूर का थाना दे जाता है, जिससे ग्रामवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ ही पुलिस देरी से पहुंचती है। ऐसी ही अगर देख लिया जाए उदाहरण के तौर पर, तो आगर मालवा जिले के नलखेड़ा से 20 किलोमीटर बाईगांव पड़ता है। बाईगांव से मात्र 4 किलोमीटर कानड़ थाना लगता है, जबकि बाईगांव को नलखेड़ा थाने में जोड़ा गया है। इस पर मंत्री ने कहा है कि अभी लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, अगले सत्र में मेरे जरिए इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और इसका निराकरण करेंगे। इसकी रणनीति बन जा चुकी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग लगभग 29 में से 20 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चुनाव अपने सांसदों को जिताएगी और लगभग 20 सांसद आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और कमलनाथ जी के नेतृत्व में और जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता है उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम लोग लगभग 20 सांसदों की सीट जीतेंगे। बढ़ते आगे, प्रदेश में सत्ता पाने के बाद कांग्रेस सरकार के लोग जनमानस का काम करने की बजाय अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाकर महज ट्रांसफर उद्योग चला रही है, यह बातें बीजेपी के नेताओं ने कही। वहीं कलेक्ट्रेट के सामने धरना के दौरान बीजेपी नेताओं ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि कर्ज माफी में किसानों के साथ छलावा किया जाता है। गांव के 50 से भी ज्यादा किसानों ने 2 लाख रुपए का कर्ज लिया है, लेकिन किसी का भी कर्ज माफ नहीं किया गया। वहीं हमने कर्ज नहीं लिया, फिर भी 46,000 का नोटिस भेजा है। इसी तरह से कई किसानों को फर्जी कर्ज का नोटिस जारी कर दिया गया है। जिसने कभी कर्ज नहीं लिया उसे भी नोटिस दिया गया है और किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। आनन फानन में कोई बिना तैयारी के लिए गए निर्णय के चलते इसे लाया गया और कर्ज लेने वाले किसान भी सरकार के इस निर्णय से परेशान है। सिंगरौली कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से करीब 550 ग्राम गांजा बरामद किया है। दरअसल आरोपी इस गांजे को गढ़हरा से लेकर शिवपहड़ी जा रहा था। आरोपी गढ़हरा का रहने वाला है। सासन चौकी प्रभारी को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद चौकी प्रभारी ने कोतवाली GI मनीष त्रिपाठी को सूचना से अवगत कराते हुए आरोपी श्रवण कुमार वैश्य को पुलिस ने तलाशी के दौरान घर दबोचा। पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो इनके कब्जे से 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उक्त कार्रवाई में चौकी प्रभारी बालेंद्र त्यागी, संतोष सिंह, आरक्षक संजय परिहार, महेश पटेल, पंकज सिंह महेश पटेल, प्रवीण सिंह, प्रवेश तिवारी, महिला आरक्षक शकुंतला शामिल रही। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मेरे साथ मध्य प्रदेश की तमाम खबरों में इतना ही। नमस्कार।